अलकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन तहा शेख आपकी हिमत में हाजिर है आई एम अ मीडिया स्टडी स्टूडेंट और आज जो हम प्रोग्राम आपके लिए ले आए लेके आए हैं प्रोग्राम का नाम है थ्री सिक्सटी बेसिकली आप लोग सोच रहे होंगे कि ही नाम क्यों सो आई हैव कम अप विद अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट डिफरेंट टॉपिक्स लाइक इनोवेशन ए करंट अफेयर्स सिंगिंग एंड लाइक डैट ऑल स्टफ और जो आज का टॉपिक है वो भी बेसिकली हमारा म्यूज़िक और सिंगिंग से रिलेटेड है एंड ये टॉपिक आज मैं अपना टू बी ऑनेस्ट कि ये मेरा फ़र्स्ट प्रोग्राम है और ये टॉपिक मैं आपके लिए क्यों लेके आया बेसिकली टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं कहूँगा आज कल जो हमारी ऑडियंस को हमारी आवाम को जो इंटरेक्ट करती है वो है सिंगिंग और म्यूज़िक हाउ म्यूजिक इज़ इन्फ्लुएंसिंग और लाइफ हाउ म्यूजिक इज इन्फ्लुएंसिंग द सोसाइटी कल्चर एंड ऑल दैट स्टफ़ सो बेसिकली एज़ आई टोल्ड यू कि ये मेरा एक फर्स्ट प्रोग्राम है सो so, मैं ये सोच रहा था कि अकेले प्रोग्राम करता करता बंदा थक जाता है तो वाई डोंट वी हैव अ स्पेशल गेस्ट विद अस सो आई हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट विद मी ही इज़ अ प्रोफेशनल सिंगर एंड ही इज़ ऑल्सो फ्रॉम अ मीडिया रिलेटेड डिपार्टमेंट हिज़ नेम इज़ हादी मलिक अवान हादी आर यू यू गुड आई एम फाइन थैंक यू आपके से अलहमदुल्ला आई एम गुड सो बेसिकली आपने जिस तरह हमने आपको बताया कि हमारा म्यूज़िक से ही रिलेटेड आज का टॉपिक है सो so, आपको जिस तरह आजकल हर बंदे का एक टॉपिक होता है जिसमें वो इन्फ्लुएंस रखता है इवन यू आर स्क्रॉलिंग ओवर सोशल मीडिया साइट एंड ऑल दैट सब तो म्यूज़िक एक पर्टिकुलर पॉइंट आता है हम सब की लाइफ में जिधर हम थोड़ा एक रिलेट कर पाते हैं अब म्यूज़िक जिस तरह हमारी इमोशन्स के साथ हमारी फीलिंग्स के साथ डेली लाइफ में बड़ा इन्फ्लुंस होता है एंड हादी टू बी वेरी ऑनस्ट आई लाइक टू सैड म्यूजिक मुझे इन्फ्लुएंस आता है सैड म्यूजिक से ये कि म्यूजिक टेस्ट चेंज होता रहता है टाइम टू टाइम सो बेसिकली हम स्टार्ट uh, करते हैं अपने शो की तरफ सो आई एम मैं आपको थोड़ा सा हिस्ट्री और बैकग्राउंड देना चाहूँगा म्यूजिक के बारे में कि वट म्यूजिक इज एंड म्यूजिक कैसे इमर्ज हुआ सो बेसिकली इन एंशंट टाइम्स जो ह्यूम्स थे उन्होंने सबसे पहले डिस्कवर्ड की थी रिदम्स रिदम्स थ्रू नेचुरल बॉडी थ्रू नेचुरल साउंड्स और बॉडी मूवमेंट्स कोई मूवमेंट होती थी कोई साउंड आता था तो ह्यूमन ने पहले तब म्यूज़िक एक रिदम डिस्कवर्ड किया फिर लेटर ऑन जिस तरह जिस तरह सोसाइटीज़ में डेवलपमेंट आने लगी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का इमरजेंस हुई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स आए एक हमारी सोसाइटी के अंदर डिफरेंट मेलोडीज आए एंड ऑल दैट लाइक स्टफ़ सो अगर हम स्पेसिफिकली बात करें ग्रीस और इजिप्ट जो थे उन्होंने क्या किया म्यूज़िक वॉज द बेसिक एलिमेंट इन देयर स्परिचुअल स्परिचुअल रिचुअल्स उनके रिलीजन में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट था एक म्यूज़िक ने बहुत ज़्यादा एक रोल अदा करने लगे थे उनके रिलीजियस एक्टिविटीज़ में सो so, वहाँ ग्रीस और जब से यह आता आसा मजीद इमर्ज होता गया और फिर एक गोल्डन uh, पीरियड आया रेनासॉन्स के नाम से इट वॉज़ द गोल्डन मोमेंट गोल्डन पीरियड इन एंटायर हिस्ट्री ऑफ म्यूज़िक रिनासॉन्स जो बेसिकली एक पीरियड था उसके अंदर जो डिफरेंट आर्टिस्ट थे डिफरेंट लोग थे वो म्यूज़िक के साथ बहुत अटैच हो गए और उन्होंने ये चीज़ डिस्कवर की कि म्यूज़िक हमारे इमोशंस के साथ हमारे फीलिंग्स के साथ एक बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है इज़ इट इट लाइक दैट हादिर वेरी ट्रू ऐसे ही है ना रेनासॉन्स अ पीरियड रेनासॉन्स ने डिफरेंट योनराज प्ले किए यज लेके आए अपने उस uh, पीरियड के अंदर तो इस तरह इस तरह म्यूजिक एमर्ज होता गया एंड वी विल टॉक अबाउट दिस इन डिटेल और फिर हम आ जिस तरह अब हम देखते हैं कि टेक्नोलॉजी में कितनी ज़्यादा एडवांसमेंट हो गई है इवन के अब इलेक्ट्रिक साउंड आ गए हैं आप लोग डिफरेंट सोशल मीडिया वेबसाइट एप्स के थ्रू इवन अपना म्यूज़िक खुद प्रोड्यूस कर सकते हैं सो म्यूजिक हैज़ बिकम लॉट ईजियर एज़ कम्पेयर टू इफ़ यू गो बैक इन the history so as i told you about our special guest mr hadi malik awan so hadi how are you feeling today how are you feeling okay. alhamdulillah i am good so you are excited to, uh, shall we start the show absolutely okay okay I'm so i am looking very forward okay so okay thank you so much hadi so uh, i want to take your opinion i have different points related to music and singing सो हा डी कैन यू प्लीज फर्स्ट ऑफ ऑल शेयर अस अबाउट योर जर्नी हाउ डू यू स्टार्ट हाउ डू यू मैनेज योर जर्नी ऑफ म्यूजिक सो बेसिकली आई स्टार्ट म्यूज़िकराउंड सेवनटीन एटी ओके और अगर ऑनेस्टली मैं बताऊँ अपने बारे में तो मुझे ऐसा फील होता था कि मैं सिंगिंग कर सकता हूँ ओके सिंस दाइम मुझे लगता था कि मैं अच्छा गाता हूँ लेकिन

लेकिन बस वैसी दोस्तों के साथ बैठ के लाइक आप अपना गा रहे हो जिसको हम कहते हैं गुनगुनाना सो वी कैन हाल वी कैन से कि म्यूज़िक हर एक बंदे के अंदर नहीं होता ये एक डिपेंड करता है कि हर बंदा कितना इन्फ्लुएंस हो रहा है म्यूज़िक के साथ उसकी इंटरनल चीज़ों में म्यूज़िक का क्या इम्पेक्ट है ऐसा ही है बस जी जी बिल्कुल इसी तरह है और म्यूज़िक uh, जो है वो इट्स नॉट कॉम्प्लिकेटेड इट्स सिंपल हमें लगता है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है म्यूज़िक बट इट जस्ट डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट इन इट ओके फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी पर्सनल जर्नी जो है वो आपके टाइप ऑफ म्यूज़िक को कोम्पैक्ट इस तरह करती है बट इट इज़ नॉट स्पेसिफिकली इम्पैक्ट द म्यूज़िक बट इट इम्पैक्ट्स योर चॉइस फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप लाइफ में आपने बहुत ज़्यादा दुख दर्द देखे हम देखें तो यू यू विल भी नेचुरली इंक्लाइंड टू लिसन टू सॉन्ग्स दैट आर Uh, on the sadder side of the spectrum. बिल्कुल हादी जिस तरह मैंने आपको कहास्ट होता है सैड म्यूजिकुल क्लासिक म्यूजिक लाइक दैट यू नो भंग टाइप स्टफ तो हर एक बंदे का एक अपना इंटरेस्ट है. Like you know, तो है अपना एक वॉज स्टार्ट ऑफ दर्नी के आपने बचपन में ये चीजें देखी नोटिस किया कि म्यूजिक इज इंफ्लुएंसिंग यू So you jump on the music side oh that's great Hadi that's wonderful so Hadi you know, what's your point of view that uh, what inspired your music and your writing process music writing process what inspires you the answer to that would rather be very simple from okay. my end because I'd say okay. ke mere music co influence hai maine khud, okay. mere life mein. by me I mean my life and my experiences some of them of course life is they say is a roller coaster so yeah. aapko always there are good experiences and there are bad, bad experiences, experiences. Exactly, that you learn from them exactly so yeah basically inspire music wa, uh, i have a question audience le, jis tarah aap logon ko pata hai ki music jo hai na music mein different type of genres hai different type of things hai some are inspired by the sad music or some are inspired by the यू नो काइंड ऑफ पॉप म्यूजिक और लाइक दैट सो ये हर एक बंदे के अपने बेसिकली लाइफ एक्सपीरियंस होते हैं कि आप लोग किस तरह म्यूज़िक को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर रहे हैं कौन सा म्यूजिक टेट आप म्यूजिक टेस्ट आपको एक अच्छा फील करवा रहा है सो देट्स वंडरफुल हादी सो हादी एज़ यू आर अ प्रोफेशनल सिंगर योर राइट नाओ सो हादी वट आर योर हाउ डू यू हैंडल योर फीडबैक और क्रिटिसिजम लाइक इन योर जर्नी Uh, आप किस तरह इस चीज़ को हैंडल करते हैं अगर जहाँ तक क्रिटिसिज्म की बात है वो आपको पॉजिटिव भी मिलता है इन लाइफ एंड नेगेटिव भी मिलता है ठीक है लेकिन हैंडल करना इट्स इट डिपेंड्स ऑन द पर्सनज माइंड सेट क्या आप लोग जो कह रहे हैं कि आप उन बातों को सीरियसली लेके आप उसको अपने आप को इफेक्ट करने देंगे क्या आप उससे लोगों को बेसिकली वाई वुड यू वांट अदर पीपल टू कंट्रोल यू और क्रिटिसिजम से अगर आपको कुछ फर्क पड़ रहा है यू आर नॉट इन कंट्रोल ऑफ योर सेल्फ गुड और बैड क्रिटिसिजम को आई टेक एवरी थिंग एज एन ओपिनियन एज ए लेसन ओके चांस टू इम्प्रूव माई सेल्फेक्ट जो अच्छा क्रिटिसिजम है उसको आई टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट टू बेसिकली स माई कॉन्फिडेंस इन म्यूजिक और बेसिकली हादी एज अ मीडिया स्टूडेंट और अगर आप इस इंडस्ट्री में होते हो तो आप अपने आपको चाहिए कि आप अपने नेगेटिव क्रिटिसिज्म को भी पॉजिटिव वे में लेके आओ इससे ये है कि आपको चीजें सीखने को मिलती हैं एंड कॉमेंट इज अ कॉमेंट ओके सो दैट्स ग्रेट हादी आई एम वेरी इंस्पायर दैट आप किस तरह अपने क्रिटिसिज्म को फीडबैक को आप हैंडल uh, करते हो दैट्स वेरी ग्रेट सो हादी कैन यू प्लीज टेल मी वट चैलेंजेस यू फेस डूरिंग योर करियर एंड हाउ डू यू मैनेज टू ओवरकम दैम चैलेंजेस देखें आपके कभी लाइफ में ख़त्म नहीं होते और करियर के अंदर चैलेंजेस आई स्टिल फील अ लॉट ऑफ चैलेंजेस बिकॉज मैंने इसको एज अ करियर कम्प्लीटली जो है अभी इसको यूटिलाइज नहीं किया वाई बिकॉज लैक ऑफ एक्सपोजर आई ट्राई प्लस समटाइम्स आपका म्यूजिक के अंदर इंटरेस्ट इन आर्ट जेनली कई बार कम हो जाता है इट्स हाउ लाइफ वर्क्स तो उसके थ्रू अब स्ट्रगल ये आती है कि लैक ऑफ बेसिकली एंगेजमेंट बाई ऑडियंस तो उसके लिए मुझे मज़ीद और कॉन्टेंट बनाना पड़ेगा तो ये कुछ चैलेंजेस है जो आप फेस कर सकते so, हो इन लाइफ सो हादी आप अपना म्यूज़िक लिखते हैं या आप कोई म्यूजिक को डिफरेंट अपने थीम में चेंज करते हैं सो वट आर योर ओपिनियन अबाउट दैट आप किस तरह म्यूज़िक को लेके चलते हैं अपना म्यूज़िक प्रोड्यूस करते हैं या इसके बारे में आप क्या कहेंगे जी सो so बेसिकली मैं गिटार प्ले कर सकता हूँ ठीक है और प्रोडक्शन के मुझे बेसिक्स पता है सही। और वो भी इस तरह नहीं पता कि मैंने म्यूज़िक थीरी या कुछ पढ़ा हुआ है वो इसी तरह के गाने सुनता हूँ इंस्पायर होता हूँ बाकी गानों से उसके थ्रू मैं प्रोडक्शन को थोड़ा सा लाइक आई कैन लुक एट इट एज अ अन ओके दैट्स ग्रेट दैट्स ग्रेट सो हादी वट इम्पैक्ट डू यू होप योर म्यूज़िक हैज़ ऑन ऑडियंस और वट डू यू से अबाउट दिस आई पर्सनली बिलीव दैट द इम्पैक्ट I would want to make on the audience is to just feel every word that okay. I am singing. That's great. or relate experience, can just feel the message I am trying, trying to, convey to convey to them. So, so I want the audience okay. to feel with me. Feel with me. So you want your audience to feel with you whatever you are trying to say. They uh, is agree karte honge ke jo artist, na, whether he a singer, whether he a dancer, द थिंग हिज़ पोर्ट्रेंग यू वो यही चाहता है कि आप उसको फ़ील कर सकें उसको अंडरस्टैंड कर सकें तो ये है कि ऑडियंस का एक ओपिनियन उनका परसपन भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है इस चीज़ पर एंड आई रियली एग्री विद हादी एंड आर्टिस्ट लाइक हादी वू वॉन्ट ऑडियंस टू फील विद हिज म्यूजिक सो देट्स वंडरफुल आदि सो आदि जिस तरह अब टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो रही है बहुत ज़्यादा हमने एडवांसमेंट देखी हैं सो so, जिस तरह अभी एक कॉन्सेप्ट आया कि लोग अपना खुद म्यूजिक जो है प्रोड्यूस डिफरेंट वेबसाइट्स एप्स के थ्रू तो आपको क्या लगता है कि टेक्नोलॉजी ने कितना ज्यादा इन्फ्लुएंस किया म्यूजिक इंडस्ट्री पे बिल्कुल टेक्नोलॉजी ने बहुत किया और टू इन्फ्लुएंसिंग थ्रू ए आई एम श्योर आपने सुनी होंगी

for example, if you want to be a singer, express yourself fully through words. try to uh, express them fully okay. and try to make an impact on the audience. okay, that's great, hadi. so that's wonderful. and hadi, uh, as uh, comment section, hamara b-stem, both are spam They are saying, okay, hadi, please make a song. so hadi, why not a song? sunay, yea, mood may change, and audience would love to hear your song.

तू नहीं तो मेरा कुछ नहीं है जैसे आसमा से तारे कुट्स आदि इट वॉज वेरी नाइस मीटिंग यू इट वॉज वंडरफुल और आई होप सो कि हमारी ऑडियंस को हमारा ये टॉपिक हमारा मीडियालॉजी प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट Uh, मेरा प्रोग्राम करने का होस्ट एंड जो टॉपिक मैंने सेलेक्ट किए हैं वो बेसिकली रीज़न ही यही है कि हम ऑडियंस को जितना ज़्यादा एजुकेट कर सके और उनके रिलेटेड टॉपिक्स हम ले कर आएँ अपने प्रोग्राम के अंदर विद लॉट ऑफ इंटरटेनमेंट एंड ऑल दैट स्टफ सो आई होप यू गाइस ऑल इन्जॉय दिस और ये है कि अपने होस्ट तेख को इजाज़त दें इन शाह मीडियालॉजी के सेकेंड एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी अपना और अपने चाहने वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें हमें इजाज़त दे थैंक यू अल्लाह हाफ़